आज 2 रुपए नहीं 10 रुपए दूंगा बाबा, पहले एक बात बताओगे? चलो थोड़ा आगे कोने में चलो, नमस्कार, एक बात बताओ बाबा, रोड के किनारे चलो, पहले उस किनारे पे चलो, आई आई हाँ, अब रोड के किनारे थोड़ा यहाँ खड़ा होना, तो इधर इस गाड़ी के सामने गेट पे नहीं, इधर खड़ी खड़े हो थोड़ा, चलो हाँ खड़े हो, अब थोड़ा घूमो, पलटो मेरी तरफ, पलटो, पैसे दे रहा हूँ, इधर तो आओ, यहाँ पलटो एक मिनट, क्या क्या नाम है आपका बाबा? घोड़ी बाबा बराबर, चंडी घाट शमशान घाट बराबर, अभी आप कहाँ पे घूम रहे हो बाबा? देहरादून में। और इस तरह से सड़क में घूम के सब जो गाड़ी को आप रोक रहे हो रोड पे, अभी हाथ दिखा दिखा के बीच रोड पे, आपके अघोरी बाबाओं का काम रोड पे रोकने का है क्या? लोगों के लिए, बैठने के लिए आपको ऑटो नहीं मिलेगा, ऑटो नहीं देगा आपको, ऑटो नहीं रोक रहा, तो जो पर्सनल लोग आपका, ये जो हुलिया है, ये जो छोटे छोटे, ये देखिए ये वाले, आप देखिएगा बाबा, है ना, ये नर कंकालों की तरह लोग, क्या लोग डरते नहीं होंगे इस हुलिये से? नहीं डरते हैं। आप बीच रोड पे चल रहे हो, ट्रैफिक के लोग हैं, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं बताइए, तो आप किस देवता को मानते हैं मुझे ये बताइए एक बार? महाकाल को मानते हैं ना, मैं भी महादेव का ही पुजारी हूँ और मैं रुद्राक्ष धारण करता हूँ, लेकिन मैंने जीवन में कभी बीच रोड पे ना इस तरीके से लोगों को नहीं देखा, मैंने तब से देखा, एक गाड़ी आप नहीं छोड़ रहे हो, और अकेले आप नहीं हो, घंटा घर के पास ना कम से कम 10 आपके कॉस्ट्यूम में, प्यूमा के जूते पहने हो आप प्यूमा के जूते खरीद सकते हो, तो बीच रोड में लोगों से लिफ्ट मांगने का ये क्या तरीका है? मेरे जैसे ने पहना दिया हमें, नहीं अच्छा मेरे जैसे ने पहना दिया, मैं आपको एक और पहना देता हूँ बराबर, आप मुझे केवल ये बताओ, गले में ये जो लॉकेट हाथ से पकड़ना जरा अपना, ये वाला ये किस चीज का बनाया जरा बताइए, तो ये पत्थर का है, ये पत्थर का है, और इसका क्या सूचक है मुझे ये भी बता दीजिए जरा एक बार बाबा, अगर पूजा करते हो ना मठों में करो कहीं भी करो, इस होलिये में आप मेरी बात सुनो, यहीं खड़े रहो अभी 2 मिनट बराबर, आप मेरे अघोरी बाबा बोलते हो, अघोरी बाबाओं का ना मेरा पूरा मठ देखा है, पत्रकार हूं मैं, आपने मेरी गाड़ी से वहां पे भी बोला पैसा, मैंने कहा मैं इस तरह का भक्ति नहीं करता बराबर, बाबाओं को मांगने की जरूरत नहीं होती, बाबाओं को लोग खड़े होकर पैसे दे देते हैं, आप ये मेन रोड है देखिए, और मेन रोड पे आप चलती हुई गाड़ियों को रोक रहे हो, और आपके चक्कर में एक गाड़ी में आपकी वजह से अगर पीछे वाले को लग जाए तब अघोरी बाबा अपने मंत्रों से जीवित कर दोगे क्या आप? नहीं लगेगा। अच्छा चलिए, आपका पूरा नाम बताइए तो अघोरी बाबा जी, एक बार बताइए अपना पूरा नाम। अघोरी बाबा ही है। नहीं नाम तो होगा ना, जो बाबा बोले अच्छा नाम बोले हाथ का, आधार कार्ड नहीं बनाया आपका भारत में? आपका आधार कार्ड ही नहीं बना है? नहीं, हम खुद आधार कार्ड हैं। आप खुद आधार कार्ड हैं? देखो हम किस कार्ड लेके, आप बताइए तो सही, आधार कार्ड क्यों? नहीं, मेरी बात तो बताइए, मैंने आपकी सब बात मानी सम्मान के साथ, मैं आपको आप करके संबोधित कर रहा हूँ, आपका आधार कार्ड नहीं है, आप खुद में आधार कार्ड है क्यों भाई? देश का नागरिक नहीं है आप, जो आपका आधार कार्ड नहीं है, बहुत दूर है। अरे आधार कार्ड का माया से क्या लेना देना, मेरी बात सुनिए, अरे बाबा पहले ये बताओ माया का क्या लेना देना है आधार कार्ड का? माननीय मोदी जी यहाँ, ये देव देखिए, देव भूमि उत्तराखंड है, हर नागरिक का आधार कार्ड आपका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? मैं मेरे भाई हाथ मत जोड़िए, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये क्या है दिखाना, ये क्या दिखाना है? नंगे आप नंगे, ये आपने क्या दिखाया मेरे को? खत्म कर रखा क्या? नहीं नहीं, तो आपने खत्म कर दिया, दिखाने की क्या आवश्यकता है? सभ्य समाज में ये दिखाया जाता है क्या? नहीं, ये सभ्य समाज में दिखाया जाता है, ये पाठ आप पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, देखिए क्या पी रखा है आप ये बताइए, दारू पी रखे, मेरी बात सुनिए, चरम पीते हैं, चरम पीते हैं क्या? भारतीय सरकार और हमारे जो मोदी जी इतना प्रयास कर रहे हैं, हिंदुत्व के ऊपर इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है, मेरी सुनिए, भाग क्यों रहे बाबा? रुके ना, नहीं भागिए मतलब रुके, अभी अभी आपने बोला आधार कार्ड नहीं है, क्यों नहीं आधार कार्ड है आपका? आधार कार्ड आपका क्यों नहीं होगा जी? क्यों नहीं होगा मुझे बताइए? आपने अपना कपड़ा उतार के अपना गुप्त अंग मेरे को दिखा दिया, ये तरीका थोड़ी है? नहीं क्या है गुप्त अंग क्यों दिखाया आपने? मुझे आपका गुप्त अंग देखने का शौक है क्या? क्यों दिखाया आपने? नंगे बाबा है? अरे नंगे बाबा नहीं, आप बाबा हैं, बाबा नंगे नहीं होते। शरीर भी खत्म कर, अरे शरीर खत्म किया, कुछ भी किया, इस बीच सड़क पे आप अपना नंगा शरीर दिखाओगे लोगों को, ये तरीका होता है? जय महाकाल, महाकाल का नाम का सम्मान भी रखिए, ऐसे नहीं चलेगा जो आप कर रहे हैं, एक एक गाड़ी को आप रोक रहे हो, क्या तरीका ये? बिठा दे हमें बाबा। अब देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए तो जरा, अरे हमें बैठा दे, नशे के मूड में रहते हो क्या? बात करते हो यार, चिलम पीते हैं बाबा, मजाक हो रहा है, देश नशा भुक्त हो रहा है, यहाँ देव भूमि उत्तराखंड में आप ये हरकतें कर रहे हो, अपना कपड़ा उतार के नंगापन दिखा रहे हो, आधुनिक भारत के अंदर ये देश के बाबा है जो बोलते हैं कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड हमारे पास है। अब मोदी जी देवस्थानम बोर्ड के ऊपर बात करते हैं, बाबा जी मेरी बात सुनिएगा, मैं ऐसे रुकने वालों में नहीं हूँ, ये काम चलता रहेगा, आपको ये कहना चाहिए कि आप अपना गुप्त अंग, आपने अपना प्राइवेट पार्ट क्यों दिखाया भाई?
क्यों भाई, ये सभ्य है? आपकी उम्र भी होगी मेरे बराबर तो नहीं, मेरे से छोटे ही होंगे आप उम्र में। नंग बाबा हैं आप, अपने आप में आधार कार्ड है, बाबा नंग होते हैं। लेडीज देखेगी अच्छा लगेगा आपको, गौरी हम गौरी है, अगौरी हो तो नाच नाच दोगे आप कैसे भी तरीके से। मजाक हो रहा है इस देश में है? ऐसे हिंदुत्व फैलाओगे आप, ऐसे हिंदुत्व फैलाओगे? भाग खड़े हो रहे हैं गौरी है, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये है भरी सभा में अपना कपड़ा खोल के लोगों को दिखा रहे हैं, ये हिंदुत्व तो फैलाएंगे? अपना गुप्त अंग, अपना गुप्त अंग इन्होंने दिखा दिया भाई साहब प्राइवेटली। अच्छी बात है क्या, बताइए, गलत बात नहीं है, है? माताएं बहनें रोड पे जा रही हैं और ये अघोरी बाबा नशे में चूर कहता हमारा कोई आधार कार्ड नहीं। क्या गारंटी है, क्या आधार अघोरी ये पुजारी कोई गारंटी होगा इन लोगों का? हो सकता है, बताइए, ये गलत नहीं है औरतों के सामने अपना लंगोट उठा के अपना प्राइवेट पार्ट दिखा देना? गवर्नमेंट को इनके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए, रोक लगाना चाहिए ना। ओपनली ड्रग्स ले रहे हैं, चीलम दिखा रहे हैं, गलत नहीं है क्या भाई साहब? गलत नहीं है ये, कानून को कार्रवाई। और इसको ये लोग बोलते कि हिंदुत्व का प्रचार ऐसे होगा, हिंदुत्व का प्रचार देख लीजिए दोस्तों। आज का लिखा लगभग 2800 लोग लाइव है। केवल एक बात बताऊंगा, आपने देख लिया नंगा नाच, अपना प्राइवेट पार्ट अपना नंग बना दिखा दिया, चिलम ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और ये कहते हैं कि महाकाल के पुजारी हैं। हर चीज की जांच होनी चाहिए दोस्तों, हर चीज की। देश पहले है और कोई भी धर्म ऐसा हो सकता है जो देश के लिए इस तरीके का हरकत करे? बीच रोड में धोती उठाकर औरतों के सामने अपना नंग बना दिखाना, क्या इसे हम धर्म बोलेंगे? धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ये फ्रॉडी है, ये अघोरी भी नहीं है। ये अघोरी का ड्रेस पहन के पूरे देश भर में फैल रहे हैं और मेन रोड पे नंगापन दिखा रहे हैं। अब भी अगर आपको लगता है कि हमें पत्रकारिता का स्तंभ नहीं आता, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।